सेमीफाइनल में टीम इंडिया आई ऑस्ट्रेलिया की तय T20 वर्ल्ड कप से विदाई। तो बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में मात देने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो वाकई बड़े होते हैं। आज की बड़ी खबर ये है कि टीम इंडिया ने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। आइए जानते हैं कि इस मुकाबले में क्या हुआ, किसने भारत को जीत दिलाई और कैसे ऑस्ट्रेलिया की विदाई तय हो गई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दे दी है। 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, लेकिन इस बार भारत ने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना बदला पूरा कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया को लगभग वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। भारत की इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुँचना लगभग असंभव हो गया है। इंडियन टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ग्रुप 1 से क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। सुपर 8 में भारत के अब 6 पॉइंट्स हो गए हैं, क्योंकि उसने अपने सभी तीनों मैच जीते हैं। अब सभी की नज़रें अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच पर टिकी हैं। अगर अफगानिस्तान यह मैच जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट भी इस हार के बाद बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान को सिर्फ एक जीत की ज़रूरत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने शानदार 92 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेविस हेड 54, मिचेल मार्श 46 रन और ग्लेन मैक्सवेल की पारियां टीम को जीत दिलाने में नाकाम रही। अंततः ऑस्ट्रेलिया एक बड़े अंतर से मैच हार गई और भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया। भारतीय टीम ने एक और ICC इवेंट में अपनी मजबूत प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उम्मीद है कि टीम इंडिया इसी जोश के साथ सेमीफाइनल भी जीतेगी और फाइनल में जाकर तिरंगा फहराएगी। इस शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को ढेर सारी बधाइयाँ और उम्मीद है कि सेमीफाइनल में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करेगी और वर्ल्ड कप में जीत कर देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।